हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे 1954 में रिलीज हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेरिकन क्राइम मिस्ट्री फिल्म डायल इन फॉर मर्डर के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन अल्फ्रेड हिचकॉक एंड रिटन बाय फ्रेडरिक नॉट। आईएमडीबी रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। रॉटेन टमेटोज में इसका स्कोर है 89%, मेटाक्रिटिक स्कोर है 75%। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स Ray Milland as Tony Windis, Grace Kelly as Margo, Robert Cummings as Mark, Anthony Dawson as Swan। ये कहानी है टोनी विंडिस की, जो एक प्रोफेशनल इंग्लिश टेनिस प्लेयर है और उन्होंने शादी किया है एक बहुत ही अमीर लड़की मार्गो से। बीवी को खुश करने के लिए शादी के बाद उस बेचारे ने अपना प्रोफेशन तक चेंज कर लिया और वह भी टेनिस खेलना छोड़कर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचता है। देखने में तो वो लोग एक लवी डवी कपल लगते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। उन दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस है और काफ़ी सीक्रेट्स भी। हमें पता चलता है टॉनी से पहले मार्क हैलिडे नाम के एक व्यक्ति के साथ मार्गो का अफेयर चल रहा था, लेकिन जब मार्क एक साल के लिए यूएस चले गए तो उन लोगों ने ब्रेकअप भी कर लिया था। मार्गो के पास जितने भी लेटर्स थे उसने सब जला दिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मार्गो को पता चला है उसने सब लेटर्स जला नहीं पाई, क्योंकि एक लेटर मिसिंग है। किसी ने उस लेटर को चुरा लिया है और अभी वो मार्गो को ब्लैकमेल कर रहा है। उस लेटर के बदले में ब्लैकमेलर को 50 पाउंड चाहिए। इजंट इट स्ट्रेंज, सिर्फ 50 पाउंड के लिए कौन इतना मेहनत करेगा। एनीवेज, मार्गो पैसा दे देती है, लेकिन वो चिट्ठी उसे कभी भी वापस नहीं मिलती। इसी बीच मार्क भी लौट आते हैं और मार्गो उसे सब कुछ बताती है ताकि वो कुछ सोल्यूशन निकाल पाए, किसी तरह से उस चिट्ठी को ढूंढ पाए। लेकिन मार्क का इंटेंशन तो कुछ और ही है। वो सजेस्ट करता है टॉनी को सब कुछ बता देना चाहिए, उससे ये होगा कि टॉनी मार्गो को डिवोर्स दे देगा, उसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ रह पाएंगे। लेकिन मार्गो टॉनी से प्यार करती है, वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती तो वो मना कर देती है। लेकिन उसे क्या पता टॉनी को ऑलरेडी इस अफेयर के बारे में पता चल चुका है और उसने ही वो लेटर चुराया था। उसे पैसा नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि वो लेटर मार्गो के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसने उतना कम अमाउंट मांगा था। वो उन दोनों पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहा था और अभी उसने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया है। वो मार्गो को मारना चाहता है, इससे वो अपना रिवेंज भी ले पाएगा और मार्गो का सारा पैसा उसे मिल जाएगा। लेकिन वो इस काम को कुछ इस तरीके से करना चाहता है जिससे कोई भी उसे शक ना करे, और इसके लिए वो जाके मिलता है अपने एक पुराने दोस्त एंड क्लासमेट श्वान से, क्योंकि उसे पता है श्वान का ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होगा। वो श्वान से कहता है, तुम अगर मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें 1000 पाउंड दूंगा। इनिशियली श्वान साफ इनकार करता है, लेकिन टोनी उसे डराता है। वो कहता है श्वान अगर ये काम नहीं करेगा तो वो पुलिस के पास जाकर उन्हें ये बताएगा कि मार्गो को ब्लैकमेल श्वान कर रहा था, और उसका तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो पुलिस ज़रूर टोनी के बातों पर बिलीव करेगी। श्वान सच में डर जाता है और डर के मारे वो ये काम करने के लिए राजी भी हो जाता है। अभी टोनी उसे अपना प्लान बताता है। प्लान ये है कि कल टोनी एक पार्टी में जाने वाला है तो मार्गो घर पर अकेली होगी। जाने से पहले टोनी मार्गो के पास जो चाबी रहता है उसे लेकर फ्लैट के बाहर कारपेट के नीचे छुपा देगा। श्वान को उस चाबी से दरवाजा खोलना है और चुपचाप फ्लैट के अंदर जाकर परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना है। ठीक 11 बजे टोनी घर के लैंडलाइन पर फोन करेगा और जब मार्गो फोन रिसीव करने बाहर आएगी तभी श्वान को उसे मारना है। इसके बाद उसे गार्डन वाले फ्रेंच डोर्स खुला छोड़ना है और उसी फ्रंट डोर से बाहर जाना है, कारपेट के नीचे वो चाबी रख देना है और वहां से भाग जाना है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि फ्रेंच डोर से कोई चोर आया था। लेकिन अचानक मार्गो के आ जाने से वो डर गया और मार्गो को मार कर कुछ चोरी किए बिना ही वहां से भाग गया। टोनी तो पार्टी में होगा, कई सारे विटनेस भी होंगे तो उसे तो कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ कहां प्लान मुताबिक चलता है,
नेक्स्ट डे मार्गो सिनेमा जाने की प्लान बनाती है। टोनी बहुत ही मुश्किल से उसे घर पर रहने के लिए मनाता है। वो कहता है, प्लीज तुम घर पर ही रहो और पुराने पेपर से मेरा कुछ फोटोग्राफ्स काट के रखो। मार्गो मान लेती है और वो पिक्चर्स भी काट के रखती है। कुछ देर बाद उसे टायर्डनेस फील होता है तो वो सोने चली जाती है, लेकिन वो सीजर्स जिससे वो पेपर्स काट रही थी वो फोन के पास ही रह जाता है। उधर श्वान भी आ चुका है और अभी सिर्फ सिग्नल मिलने की देरी है, लेकिन पार्टी में पहुँच कर टोनी कॉल करने में लेट कर देता है। 11 बज चुका है, श्वान भी जाने ही वाला था तभी फोन रिंग होता है। मार्गो फोन रिसीव करती है और उसी वक्त पीछे से श्वान आके हमला कर देता है, लेकिन मार्गो खुद को बचाने के लिए उसी सीजर से श्वान को जान से मार डालती है और ये सब कुछ टोनी सुन लेता है क्योंकि फोन तब भी चल रहा था। मार्गो जब पुलिस को कॉल करने की बात करती है तो टोनी कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले घर आने दो फिर सोचता हूँ। वो जल्दी से घर पहुंच जाता है और एक नया प्लान बनाता है। वो सोचता है वो मार्गो को मार नहीं पाया तो क्या हुआ, वो उसे इस खून में फ्रेम तो कर सकता है। और इसके लिए वो तीन काम और करता है। पहला, उसने जो लेटर चुराया था मार्गो के हैंडबैग से, वो चिट्ठी वो श्वान के पॉकेट में डाल देता है जिससे कि ऐसा लगे कि श्वान ही वो ब्लैकमेलर था। दूसरा, वो श्वान के पॉकेट से चाबी लेकर मार्गो के हैंडबैग में रख देता है जिससे कि उसे कभी ना पता चले कि उसकी चाबी इस काम में यूज की गई थी। एंड फाइनली वो मार्गो को समझाता है ताकि वो पुलिस को ये ना बताए कि टोनी ने उसे पुलिस को फोन करने से मना किया था। नेक्स्ट डे पुलिस आती है। चीफ इन्वेस्टिगेटर हबर्ट टोनी एंड मार्गो दोनों से ही बात करते हैं, लेकिन बेचारी मार्गो नर्वस हो जाती है और कुछ कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे देती है जिससे पुलिस को उस पर शक होता है। इसके अलावा वहाँ के सिचुएशन देखकर भी पुलिस को यही लगता है कि मार्गो को ब्लैकमेल श्वान ही कर रहा था और इसीलिए मार्गो ने उसे मार डाला है। कुछ ही दिनों में ट्रायल शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली मार्गो को फांसी की सजा सुनाई जाती है। टोनी बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसने जो चाहा था वही हुआ, मतलब 90% प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका है, अभी बस कुछ ही दिन और। इसके बाद मार्गो को भी फांसी दी जाएगी और सारा पैसा उसे मिल जाएगा। लेकिन इतना फुल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद भी वो एक चीज कम्प्लीटली मिस कर गया। उसने ये नोटिस ही नहीं की कि जिस चाबी को उसने श्वान से लेकर मार्गो के हैंडबैग में रखा था, जो अभी पुलिस कस्टडी में है, वो इस फ्लैट की चाबी है ही नहीं। वो तो श्वान के फ्लैट की चाबी थी। श्वान दरवाजा खोलने के बाद ही इस फ्लैट की चाबी फिर से उसी कारपेट के नीचे रख दिया था। अननोइंगली टोनी इतना बड़ा भूल कर चुका था और एक गलती वो अभी कर रहा है। श्वान को देने के लिए उसने जो 1,000 पाउंड कैश अपने पास रखा था, उससे छुटकारा पाने के लिए वो उन पैसों से फालतू में बहुत कुछ शॉपिंग कर रहा है। तो पुलिस को शक होता है, अचानक से उसे इतना सारा कैश मिला कहाँ से। लेकिन टोनी फिर से एक झूठ बोलता है। वो कहता है ये पैसा मार्गो श्वान को देने के लिए रखी थी, लेकिन फाइनली उसने प्लान चेंज कर दी और श्वान को जान से ही मार डाला। इंस्पेक्टर हबर्ट उस वक्त के लिए टोनी पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो वो एक प्लान बनाते हैं। वो पुलिस कस्टडी से मार्गो की हैंडबैग ले आते हैं और उसमें जो चाबी थी वो चेक करने के लिए ले जाते हैं, और तभी उन्हें पता चलता है ये इस फ्लैट की चाबी तो है ही नहीं, ये तो श्वान के फ्लैट की चाबी है। और उन्हें कारपेट के नीचे से इस फ्लैट की असली चाबी भी मिल जाती है। उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था, इट इज ऑल प्री प्लान्ड। लेकिन ये प्लानिंग किया किसने है, मार्गो ने या फिर किसी और ने? नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर फिर से टोनी से मिलने जाते हैं और लौटने के समय वो इंटेंशनली टोनी के रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था इसी रेनकोट में वो चाबी रखता है, और वहां पर अपना रेनकोट छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद टोनी उसी रेनकोट पहनकर बाहर जाता है और उसके जाने के बाद ही इंस्पेक्टर हबर्ट और मार्क इस फ्लैट में जाकर छुप जाते हैं क्योंकि मार्क को भी जानना है असली दोषी कौन है। पहले से ही उसे टोनी पर शक था, इंस्पेक्टर भी जानते हैं किसने क्या किया है और अभी सिर्फ साबित करना बाकी है। उधर इंस्पेक्टर के कहने पर मार्गो को छोड़ दिया जाता है। वो फ्लैट तक तो पहुंच जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है दरवाजा नहीं खुलता। उसे तो पता ही नहीं है ये उसकी नहीं श्वान के फ्लैट की चाबी है।
वो बेचारी बहुत देर तक वेट करती है। जब इंस्पेक्टर श्योर हो गए कि मार्गो को कारपेट के नीचे रखा चाबी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उन्होंने ही दरवाजा खोल दिया। उस हैंडबैग को चाबी के साथ फिर से थाने में भेजा गया और अभी टोनी की बारी है, देखना ये है कि वो क्या करता है। कुछ समय बाद टोनी भी लौट आता है, लेकिन वो देखता है कि इस रेनकोट में तो कोई चाबी ही नहीं है। तो याद आता है कि थाने से फोन आया था मार्गो की बिलोंगिंग्स ले जाने के लिए, तो वो थाने से उसी हैंडबैग को ले आता है और उसी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है, ये चाबी काम क्यों नहीं कर रहा, और तभी उसे लगता है कि शायद किसी तरह से चाबी चेंज हो गई होगी और असली चाबी अभी भी कारपेट के नीचे ही है। ढूंढने पर उसे वहां से चाबी भी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसने किया क्या है। वो जैसे ही फ्लैट में एंटर करता है, अंदर बैठे इंस्पेक्टर मार्क और मार्गो उसे वेलकम करते हैं। आखिरकार साबित हो ही चुका है कि इस मास्टर प्लानिंग के पीछे मार्गो नहीं बल्कि टोनी था, नहीं तो उसे कभी भी पता नहीं होता कि उस कारपेट के नीचे कोई चाबी रखा गया था। टोनी भी मान लेता है और यहाँ पर ही फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।